एक बहन ने लिखा है हर दिन नई नई समस्याएं आती हैं तो उसमें हम कैसे उस समस्याओं को हैंडल करें जैसे फैमिली में हैं सोसाइटी में हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कैसे हम हैंडल करें कैसे समस्या हमारी प्रश्न बैन जी ने छोटा सा कर दिया और समस्याएं कह दिया बहुत सारी आती हैं और मैं उत्तर छोटा भी दे सकता हूँ छोटा उत्तर है समस्याएं और कुछ नहीं कमज़ोर मन की रचना है अगर मन को शक्तिशाली बना दिया जाए पॉजिटिव बना दिया जाए तो सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी देखिए एक व्यक्ति उन दिनों जब ये बात हमने बाबा के महावाक्यों में सुनी थी दिल्ली में एक प्रैक्टिकल केस हुआ था दो आइसक्रीम वाले पास पास बेच रहे थे एक आइसक्रीम वाले ने दूसरे वाले को ग्राहक को बुला लिया मेरी अच्छी है इधर आ जाओ अब वो जो था जिसका बुलाया उसको गुस्सा आ गया लड़ाई शुरू की वाद विवाद हुआ चाकू से काटते थे उन दिनों आइसक्रीम आजकल जैसी नहीं होती थी उसने उसको चाकू मार दिया वो दिल पर लग गया उसकी तुरंत मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु हुई वो आजीवन जेल में चला गया दो परिवार नष्ट हुए परेशानियों में पड़ गए कितनी बड़ी समस्या शुरू कहाँ से हुई क्रोध से कमजोर मन था तो क्रोध उत्पन्न हुआ कमजोर मन में मन शक्तिशाली होता वो शांत रहता वो कहता अच्छा भाई उससे ले लो ये भी तो कहा जा सकता है और लोग कहते हैं हाँ भाई उससे ले लो तो कमजोर मन को हमें शक्तिशाली बनाना है समस्याएं भिन्न भिन्न तरह आती की आती हैं आजकल बीमारियों की समस्या ज्यादा उग्र रूप लेती जा रही है उसमें भी डब्ल्यू एच ओ आपने सुना होगा यह शब्द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी हो जाएगी मुझे याद है अब से दस साल पहले हार्ट डिजीज को महामारी बोला था बढ़ती गई अब से पाँच साल पहले कैंसर के लिए बोला था कि महामारी बनती जा रही बहुत बढ़ रही है उसका कारण खान पान है खान पान और नहीं खान पान पर डाले जाने वाले कीटनाशक दवाइयाँ खेतों में जो रिफ़ाइन तेल माताएं घरों में यूज करती हैं वो भी बड़ा नुकसानदायक है कि अब भिंडियों पर कीटनाशक छिड़क दिए हैं भिंडी पे छिड़केंगे बैंगन पे छिड़क छिड़केंगे बैंगन भिंडी को बहुत कम भिंडी तो छिलते ही नहीं बैंगन को भी सब नहीं छिलेंगे आपने ऐसे ही धो धा के बना दी वो कीटनाशक आपके पेट में गए वो अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं तो ये समस्याएं भिन बिन बढ़ती जा रही हैं मैं लोगों को सिखाता हूँ अभी भी अजमेर में कई केस आ गए कल इसी समय एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था इस हॉल से डबल जगह में लोग बैठे थे वो एक राजा का बहुत सुंदर होटल है पैलेस जैसा उसने बीच का सारा आंगन फ्री दिया था बहनों को फ्री बहुत सुंदर बड़ी स्क्रीन भी लगा के दी थी कैमरे वाले भी दिए थे समस्या और समाधान का प्रोग्राम था कईयों के ये प्रश्न थे ये बीमारी घुटने दर्द मानसिक रोग कैंसर मेरा सबसे पहला उत्तर एक है कि तन को कितनी भी बीमारियाँ क्यों ना आए अगर हम मन को बीमार न करें तो तन की बीमारी जल्दी विदाई लेंगी लेकिन जब हम अपने मन को बीमार कर देते हैं बहुत भारी पड़ता है मैं आपको उदाहरण दूं एक डॉक्टर बहन आई कहा मेरे पति को प्रोस्टेट में शुरुआत हुई है कैंसर की वो खुद सर्जन है ये बहन सर्जन है हम सब जानते हैं वो डॉक्टर भी जानता है जिसको प्रोस्टेट में कैंसर शुरू हुआ है कि इसको बढ़ने में भी पंद्रह साल लगेंगे और इसको अभी ठीक किया जा सकता है लेकिन कहा वो डॉक्टर आधा मर गया चुप हो गया उदास रहने लगा वो उसको कल प्रोग्राम में नहीं ले पाए वो बड़ी पछता रही थी क्योंकि 25 किलोमीटर दूर से आई थी कि काश में उसको भी ले आती तो आज वो पुनः जिंदा हो जाता जो आधा मरा है तो ये जो बात है सभी भाई बहनें इस चीज को अंडरलाइन कर लें आप यहाँ से ले जाएं ये फॉर्मूला बीमारी कितनी भी क्यों ना आ जाए समस्याएं कितनी भी क्यों ना आ जाए मन को बीमार नहीं करना है तो अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी कल ही स्टेज पर वो कन्याओं ने डांस भी किया कहाँ से एक छोटा बच्चा भी आ गया कितना था तीन साल का बड़े मजे से ताली बजा रहा उसको कोई डर नहीं लग रहा स्टेज पे घूम रहा उनके आसपास डांस कर रहा मैंने कहा ये बच्चा क्यों निश्चिंत है सोच लो कोई चिंता नहीं उसको उस स्टेज में करंट भी आ गया था लास्ट में मेरे को भी लगा पता नहीं कहां से आ गया एक बहन को तो ज्यादा ही लग गया क्यों ये बच्चा निश्चिंत है क्योंकि इसकी केयर इसके माँ बाप करते हैं आप भी भगवान के बच्चे बन जाओ तो इन सभी चिंताओं से बच जाओगे वो केयर करेगा आपकी इस सत्य को पहचान लो और मैं आपको एक बात बताऊं जिसका प्रयोग हमने बहुतों से कराया और रिजल्ट बहुत सुंदर हैं भावनात्मक चीज़ है ये अपने मन की सारी समस्याएं अपनी टेंशन अपनी चिंताएं और अपनी बीमारियां भी उसको अर्पित करो ये कला सीखनी है भक्ति में बहुत गाया है तन मन धन सब तेरा आगे क्या बोला माताओं ने तेरा तुझको अर्पण और घर आके तन मन धन सब मेरा मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा कह दिया ना अभी तन मन धन तो किया ही नहीं अर्पण वो तो झूठ मूठ ही गाते रहे ठीक है बुरा नहीं मानना अर्पण कर दो अपने मन की चिंताओं को अर्पण कर दो अपनी समस्याओं को अपनी बीमारियों को वो बहुत मदद करेगा वो सच्चा माता पिता है वो आपकी बहुत केयर करेगा मेरे अनुभव हैं मेरी आँख में तकलीफ हुई है एक साल से कभी कभी ज़्यादा दर्द हो जाता है इसमें दवाई आदि उसकी होती नहीं मैं क्या करता हूँ पता मैं शिव बाबा का आह्वान करता हूँ मैंने अब भी किया परसों भी किया बहुत अच्छी तरह क्योंकि गर्मी से दर्द हो जाता है ठंड से नहीं होता वहाँ गर्मी थी एक जगह बहुत गर्मी थी प, प, प्रोग्राम था हमारा 500 लोग थे योग की भट्टी चल रही थी लेकिन स्टेज पे पंखे होते नहीं हॉल में तो पंखे थे कूलर भी रखा लेकिन गर्मी बहुत थी आँख में दर्द हो गया मैंने क्लास कराते कराते आह्वान किया शिव बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो अपनी सेना सहित जरा जाओ उसकी बहुत बड़ी सेना है वैद्यों का वेद है वो बहुत सारे फरिश्ते उसके साथ हैं शिव शक्तियाँ उसके साथ हैं जिनकी आप मंदिरों में पूजा करते हैं वो सब उसकी सेना में हैं मैंने कहा अपनी सब सेना को लेकर जरा जाओ आँख में दर्द बहुत हो रहा है अब इसको ठीक कर दो और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया मैं भूल ही गया मैं ये भी भूल गया कि मैंने उसको बुलाया था और मैं ये भी भूल गया कि मुझे पेन था तो अपनी सभी समस्याएँ प्रभु अर्पण करना सीखेंगे वंडरफुल अनुभव होंगे जीवन में वो हमारा माता पिता भी है परम शिक्षक भी है और परम सदगुरु भी है उसको अपना सच्चा सदगुरु बना लो वो न केवल आपको मंत्र देगा आपकी केयर करेगा मैंने उससे एक चौथा नाता भी जोड़ा हुआ है गुड फ्रेंड गॉड फ्रेंड खुदा दोस्त इसके मेरे बहुत ज्यादा अनुभव हैं नाता जोड़ो उससे आपकी समस्याओं को वो हरने लगेगा लेकिन जो बात पहले मैंने कही अपने मन को बहुत ही स्ट्रांग बनाओ कमजोर नहीं सवेरे उठते ही संकल्प किया करो देखिए मैं समाधान आपके सामने रख रहा हूँ जिसका प्रयोग किया है लाखों लोग इस चीज़ को सीख गए हैं सारी दुनिया में मैं तो जब फ़ोन आते हैं तब समझ में आता है मुझे कि एक सुंदर बात संसार के बहुत लोगों ने सीख ली मुस्लिम्स ने भी सीख ली क्रिश्चियंस ने भी सीख ली बुद्धिस्ट ने भी सीखी और हिंदुओं में तो लाखों ने शायद करोड़ तक पहुंच गई वो बात हम सर्व भगवान की संतान हैं है या नहीं मैं आपको ये डीप रियलाइजेशन देना चाहता हूं सोचो मेरे साथ वो मेरा परम पिता है तो इसका अर्थ है वो मेरा है है या नहीं वो मेरा है जो कुछ उसका है वो ये है थोड़ी हायर स्टेज हमारी साधनाओं की वो मेरा है उसका सब कुछ मेरा है जैसे आपके बच्चे आपके पास अधिकार से आ जाते हैं ना पापा ये चाहिए अब पापा को देना पड़ता है पैसे कहीं से भी लाए उस पर भी हम अधिकार कर सकते हैं अधिकार की फीलिंग तो देखिए टाइगर का बच्चा क्या होगा बोलो जरा शेर का बच्चा और हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं हम बहुत पावरफुल हैं स्वीकार कर लो आप इस सत्य को हम बहुत हम बहुत इसके लिए एक शब्द है वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं सवेरे उठ के ही आप इसको पांच बार याद कर लो आंख खुलते ही आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी जब शक्तियाँ जग जाती हैं तो उनसे वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर आपकी आँखों से फैलेंगे हाथों से फैलेंगे और ये वाइब्रेशंस समस्याओं को नष्ट करेंगे ये वाइब्रेशंस आप अपनी बॉडी को भी दे सकते हैं मैं आत्मा यहाँ हूँ मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं ब्रेन में भी जा रही हैं बॉडी में भी जा रही हैं अंग अंग को ठीक कर रही हैं बहुत अच्छे अनुभव होंगे इससे आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी जिन बच्चों की एकाग्रता नहीं होती पढ़ाई में उन सबको हम यही सिखाते हैं सवेरे उठकर 108 बार लिख लो 21 दिन तक मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ जैसा मैंने कहा एक लड़की का अभी अभी फ़ोन में अजमेर जा ही रहा था रास्ते में फ़ोन आया एग्जाम आने वाला है मैं बहुत पढ़ रही हूँ कुछ याद नहीं है क्या करूँ मैंने उसे कहा अभी बैठ कर लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ एक सौ आठ बार कल सवेरे लिखना श्याम को लिखना सात दिन तक सवेरे श्याम लिखो फिर इक्कीस दिन लिखना सवेरे अगले दिन रात को उसका फोन आ गया मैंने तीन बार लिख लिया है मेरी एकाग्रता बढ़ गई है अब चार घंटे से मैं पढ़ रही हूँ मुझे सब याद है इतने सुंदर रिजल्ट हमें मिलते हैं जहाँ मनुष्य रोने लगता है जहाँ उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिखता मन भटक रहा हो चाहे श्वासों पे ध्यान लगा लो वे कर लो चाहे संकल्पों पे ध्यान लगा लो नहीं लगेगा एकाग्रता नष्ट हो गई कुछ नहीं होता इससे फटाफट होने लगती है तो हम बहुत शक्तिशाली हैं ये संकल्प आप अपने साथ ले चलेंगे और कुछ और सारे प्रयोग हैं समस्या के भिन्न भिन्न समस्याओं में हम जो कराते हैं इक्कीस दिन की योग साधना भी कराते हैं अनुष्ठान जैसा एक घंटा रोज उनसे बहुत चीजें ठीक होती हैं ओम शांति भाई साहब ने बहुत सुंदर